गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। गाइस, आज बहुत दिनों बाद वीडियो डाला हूं। ये हमारा एक क्वेश्चन पेपर है डीएमएम का, इसमें ऑर्थोग्राफिक दिया है। आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। ये हमें थर्ड एंगल में दिया गया है, हमें इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। ये हमारा फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। लेंथ इसकी 80 है जो यहाँ से होकर रखी है, और ये हमारा 40 है और ये हाइट 10 mm है। ये भी 80 है और ये 40 है, ये 10 mm है। अंदर का जो पोर्शन है हमारा वो 40 है और ये हमारा 10 है और ये भी 40 है और ये भी 40 है और ये 10 mm है। तो इसे ड्रॉ करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम एक 80x80 का आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाएंगे जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट 80 mm होगी। सो गाइस, सबसे पहले हम 30 डिग्री पर 80 mm ड्रॉ करते हैं। इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन से भी 80 mm लेंगे। सो गाइस, इसके बाद हम हर पॉइंट से 80 mm हाइट लेंगे इसकी। इसके बाद इन पॉइंटों को हम आपस में मिला लेंगे। अब इस कॉर्नर से 80 mm 30 डिग्री पे और इस कॉर्नर से भी 80 mm 30 डिग्री पे। सो गाइज, अब हमें ये पोर्शन ड्रॉ करने हैं। इसकी लेंथ हमें दी गई है 40 mm और ये हाइट दी गई है 10 mm। तो सभी पोर्शन हमारे 10 और 40 के हैं, तो ये मिड में दिखाया हुआ है और ये भी सब मिड में है। तो अब इन्हें ड्रॉ करते हैं। अगर ये 80 का है तो यहाँ से 20 और 20 का गैप रहेगा, यहाँ भी 20 और 20 का गैप रहेगा, यहाँ भी 20 और 20 का, और यहाँ भी 20 20 का गैप रहेगा। इस तरह से ये इसके मिड में बनेगा। तो आप ड्रॉ करते हैं सारा पोर्शन। सबसे पहले हम 80 का सेंटर ले लेंगे 40 mm। सो गाइज, सबसे पहले हमने 80 का मिड लिया यानी सेंटर 40 mm और यहाँ से भी 40 mm। अब मिड से हमें 40 का दिया गया है, तो यहाँ से 20 और 20 लेंगे, फिर यहाँ से 20 ऊपर 20 नीचे। इसी मेथड से हम सभी में ड्रॉ कर लेते हैं इसको। इसके बाद मिड से हम 20 mm 20 mm, फिर यहां से 20 ऊपर 20 नीचे, इस पॉइंट से भी 20 नीचे और ऊपर, फिर इसे आपस में मिला लेंगे। ऐसी हम टॉप व्यू में भी करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें 10 mm हाइट दी गई है, तो ये हाइट डिनोट करते हैं इसमें। सो गाइस, इसके बाद हम हर कॉर्नर से 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm लेंगे और यही मेथड हम सभी बॉक्स में अपनाएंगे, यानी साइड में और टॉप में भी।
सो गाइज इसके बाद इन पॉइंटों को हम आपस में मिला लेंगे। सो गाइज इसके बाद हम इन लाइनों को इरेज करेंगे, नहीं तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे और आपका ऑब्जेक्ट गलत हो जाएगा और ये सही से ड्रॉ नहीं हो पाएगा। सो गाइज बनने के बाद ये हमें इस तरह से दिखेगा। इसी प्रकार हम सभी में ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसी प्रकार हम टॉप व्यू में भी ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइज इस प्रकार हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। ये फ्रंट है, ये साइड है और ये टॉप व्यू है हमारा, और डायमेंशन भी हमने मेंशन कर दिया है। सो गाइज वीडियो को पूरी देखें और लाइक का बटन भी दबाएं जिससे वीडियो को रेटिंग अच्छी मिले। सो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।